नमस्कार, मैं चेतना, आलिशान गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने फॉक्सटेल फर्न से मिलाना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये प्लांट बहुत हेल्दी था। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मुझे ध्यान नहीं रहा, ये लगातार 4-5 दिन बारिश में ये बाहर रहा। ओवर वाटरिंग के कारण इसकी हालत ख़राब हो गई। देखिए, मेरा इतना हैवी प्लांट था कि मैं ये चाह रही थी कि इसे डिवाइड करके कई प्लांट्स बना लो, लेकिन अभी से ही बचा रही हूँ। देखिए, इसके अंदर से अंदर सारे ऐसे ब्राउन हो गया, सारा ओवर वाटरिंग के कारण। देखिए, सारा ख़राब हो गया। अभी भी हमारे यहाँ बरसातें ही हैं। फिर मैंने इसे वहाँ से उठाकर अंदर ब्रांडे में किया, वहाँ ये इसे कोई धूप वगैरह नहीं लगती, तो इसके कारण इसकी हालत और ख़राब हो गई। इसलिए अब हम इसे आज रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए, ये मैंने मिट्टी ली है, ये मैंने राइस हस्क लिया है, और चाय की पत्ती, हल्दी, फंजीसाइड, कच्चा कोला, घर की बनी खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब मिक्स कर लिया और इसमें डाल देंगे। मेरी इस मिट्टी में थोड़ा सा सैंड पहले से ही मिक्स है, इसलिए मैंने इसमें सैंड नहीं मिलाया। आप हल्दी और फंगीसाइड जरूर ऐड किया कीजिए, इससे पौधे काफ़ी हद तक बीमारियों से बच जाते हैं। इन सब चीज़ों से मिट्टी एकदम पोरस बनती है। देखिए, मैंने ये कुंडा लिया है और इसका शेड मैंने ड्रेनेज होल इन ठीकरियों से बंद किया। देखिए, ये लगा दी ठीकरी का मुंह अंदर की तरफ। देखिए, अब हम अपने प्लांट को थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। देखिए, ये जो इसके ऐसे पत्ते हैं इन्हें हम काट देंगे, ये गंदे लगते हैं। ये देखिए, कितने सारे मैंने इसके काटे हैं। ओवर वाटरिंग मतलब बारिश के कारण ओवर वाटरिंग होगी, इसके कारण इसकी सारी पत्तियां झड़ने लग गई। अब इसमें नए नए पत्ते फिर से आने लगे। ये देखिए, कितना हेल्दी, कितना बुशी प्लांट था इसका, देखिए क्या हालत हो गई। सिर्फ ये बरसात में बाहर पड़ा रह गया, ज्यादा बारिश में, और मुझे ध्यान नहीं रहा, सिर्फ इस कारण से। मैंने इसे गमले में से निकाल लिया था। देखिए इसके ट्यूबर्स, देखिए देखिए इसकी जड़ें। इस वैसे एक तरीके से ये रूट प्रूनिंग पूरी तरह रूट बाउंड हो चुका है। मैं इसे डिवाइड करके इसके कई प्लांट्स बना, 3-4 प्लांट्स से इतने आराम से बन जाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी बुशी था, बहुत ज़्यादा। आपको इसकी रूट से ही पता लग रहा होगा। देखिए,
पर फिलहाल जैसे इसकी कंडीशन है, मैं इसके रूट्स के साथ इसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूँगी। मैं इसे ऐसे ही लगाऊंगी। कुछ दिन में जब ये थोड़ा सा घना हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, फिर देखेंगे हम जो रीजन वगैरह या इसको दोबारा से करने का। पर अभी नहीं, ये प्लांट वैसे भी जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं मांगता, रूट बाउंडिंग इसको अच्छी लगती है। देखिए ये एस्पेरेगस फैमिली को बिलोंग करता है, इसका नाम फॉक्सटेल फर्न है, लेकिन ये फर्न नहीं है। जैसे एस्पेरेगस एडिबल है, ये एडिबल भी नहीं है। मिट्टी को थोड़ा सा दबा दें, इससे इसकी एयर स्पेस खत्म हो जाएंगे। जब आप प्लांट लगाते हैं तो उसे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पानी दें और उसके छेद से पानी निकालें। अब हम इस प्लांट की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। इस प्लांट को आपको सेमी शेड एरिया में रखना है, इसे डायरेक्ट धूप में ना रखें। सुबह सुबह की 2-3 घंटे की जो धूप होती है
वो ये बियर कर लेता है, उसमें अच्छे से फ्लोरिश हो जाता है, लेकिन पूरे दिन की तेज धूप इसे बर्दाश्त नहीं, इससे इसके जो ये टाइनी टाइनी से लीव्स हैं ये जल जाते हैं। इसलिए आप इसे सेमी शेड एरिया में नेट के नीचे रखें तो ज़्यादा अच्छे से फ्लोरिश करता है। अगर आप इसे पूरी तरह शेड में रख देंगे या पूरी तरह से धूप में रख देंगे तो ये प्लांट दोनों ही कंडीशंस में दिक्कत मांगता है। और हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो जब इसकी मिट्टी ऊपर से 1-1.5 इंच ड्राई हो जाए तभी आप इसमें पानी डालें। और अगर इसकी मिट्टी कीचड़ जैसे भी न बनाएं, जैसे पानी दिया और निकल जाए, ऐसे पोरस मिट्टी बनाएं, और पानी ड्राई होने के ऊपर मिट्टी दें, जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तब पानी दें। ऐसे नहीं है कि मिट्टी गीली है और देना, मॉइस्चर बना के रखना है, लेकिन मिट्टी कीचड़ जैसी गीली नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी जैसे फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने इसमें इसकी मिट्टी रिच मिट्टी बनाई है तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जब हम कंपोस्ट टी और प्लांट्स के लिए बनाते हैं तो इसे भी दे दीजिए, ये इससे बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। अब इसमें पेस्टिसाइड के बारे में, पेस्ट अटैक के बारे में बात करते हैं तो मैंने इस प्लांट के ऊपर कभी पेस्ट अटैक देखा नहीं है। अगर आपके एरिया में होता है, कुछ भी आपको दिखता है, तो सिंपल वही सोल्यूशन है, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल लें, थोड़ा सा नीम ऑयल लें और एक बॉटल में, 1 लीटर पानी की ब� 1 चम्मच नीम ऑयल, 3-4 बूंदे डिश वॉश, लिक्विड डिश वॉश और थोड़ा सा गोमूत्र डाल लें, अच्छे से हिलाकर अपने प्लांट पर स्प्रे कर दें। कोई भी पेस्ट अटैक है वह इसी से ही ठीक हो जाएगा। और इसकी जैसे हम चाहते हैं कि प्रोपोगेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको प्लांट दिखाया, मैंने निकाला था, तो हम इसको डिवाइड करके किसी तेज नाइफ से काट के इसके जितने मर्जी प्लांट बना सकते थे, पर लेकिन मेरे प्लांट की हालत ऐसी हो चुकी है कि इस टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो आप उस तरह से रूट डिविज़न से भी इसके प्लांट्स बना सकते हैं। और एक इसमें जब ये प्लांट अच्छा हेल्दी मेच्योर हो जाता है, काफ़ी पुराना हो जाता है, तो इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और उसमें बेरीज लगते हैं, जो पहले ग्रीन होती हैं, फिर रेड होती हैं, फिर डार्क ब्लैक से रंग की होने लग जाती हैं। उन्हीं बेरीज में इसके बीज होते हैं, उससे भी आप इस प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत महंगा नहीं होता है, नर्सरी में बड़े आराम से ठीक रेट में मिल जाता है। तो लगाइए इस प्लांट को, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।